बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो 25th लेक्चर का, जो कि CS 610 का एक लेक्चर है, और उसका सेकंड पार्ट जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि डॉटर डेसिमल्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, इक्वली डिवाइडेड द नंबर इंटू टू पार्ट्स। लेट सपोज कि आपके पास ये नंबर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, इसने इसको आपने इक्वली ना नंबर्स में टू पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देना है। आप इसको पहले काउंट कर लें, तो ये आई थिंक 16 है, ठीक है, 8 इस तरफ कर लिए, 8 इस तरफ कर लिए, तो ये इक्वली टू डिवाइडेड हो गए हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। स्टेप 3 आपने क्या करना है, एवरी डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2 विद डिफरेंट पावर्स फ्रॉम 0 to 7, देन मैच द बाइनरी नंबर्स टू द रिस्पेक्टिव डिजिट्स। क्या करना है कि अब जितने भी नंबर हैं उनको यहाँ पे लाइन आनी थी, सॉरी, ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है, ये 7 वाला इस तरफ आना है, यहाँ पे 2 की पावर 6 से पहले, ठीक है, ये मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है कि एवरी डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2 विद डिफरेंट पावर्स फ्रॉम 0 to 7, यानी कि आपने ये देखें 0 से 7 तक, यहाँ तक ये वाला इसमें आना है, ठीक है, इनको जो है बेस दें, ठीक है, और उसके बाद उनको आप कैलकुलेट करें। देखें 2 की पावर 7 हो तो क्या आंसर आता है, उसको चेक करके देखें, 128, 2 की पावर 6 हो तो 64। इस तरह इन सबको बना लें, दोनों पोर्शंस को, ये जो दोनों पोर्शंस हैं हमारे, ये दोनों, ठीक है, इनको कर लिया। 2 की पावर बेस लेनी है आपने, वही वाले नंबर्स नहीं लेने, ये वाले नंबर्स नहीं लेने, बल्कि 2 की बेस बना लेनी है उनको, 7 एक तरफ 7 एक तरफ, वो दोनों 8 8 बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो 0 से 7 तक आप काउंट करें तो ऑटोमेटिकली 8 जो है वो नंबर बन जाते हैं। इसी तरह जब आप इनको, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये इसका रूल है, नंबर्स दैट रिप्रेजेंटेड बाय 0 इज निगलेक्टेड वाइल नंबर्स दैट रिप्रेजेंटेड बाय 1 इज काउंटेड। यानी कि जहाँ पे 1 है उस नंबर को आप काउंट करेंगे, सॉरी, जहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल, जहाँ पे 0 है उसको आप जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, और जहाँ पे 1 है उसको आप काउंट कर लेंगे। तो आप देखें 128 की जगह अब आपने ये वाले नंबर्स आपने कहाँ से लिए हैं, ये वाले नंबर्स हैं, इनको आपने कॉपी करके उनके अंत, एक मिनट जी, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप क्या है, किस तरह से ये वाली आई है, ये वाली चीजें आई हैं, ये वाली कुछ इस तरह से आई हैं, देखें, वन ट्वेंटी एट प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 तो क्या बना आपके पास 216, यानी 216, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सारे आपने जमा कर लिए 8 तक, 2, 4 और 1 क्यों जमा नहीं किया, क्योंकि इनके नीचे 0 है, और 32 को भी हमने जमा नहीं किया, क्यों, इसके नीचे 0 है और 0 वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें उसके बाद इनको जमा किया तो हमारे पास 216 आ गया, और इनको जब आपने जमा किया जी, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 2 और 1 दोनों नेगलेक्ट कर देंगे, और जो बच गए उनको जमा कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 220। अब आपने देखना है, ये देखें नेक्स्ट स्टेप, देखें के डॉटेड डेसिमल को आपने कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास पार्ट 2 में क्वेश्चन है, हाउ यू कन्वर्ट डॉटेड डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है जी। स्टेप 1 में क्या करना है, फर्स्टली डॉटेड डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एवरी डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2 विद डिफरेंट पावर्स, वही वाला रूल, ठीक है जी, 0 से 7 तक। अब वही जो हमारे पास आया था 216.220, तो उन दोनों को हमने पॉइंट में लिख के एक क्वेश्चन बना लिया दोनों पार्ट्स को। अब हमने क्या करना है, वही वाला देखें, एज वी शोन इन द फिगर 220 सब्ट्रैक्टेड बाय द नंबर्स विच इज स्मॉलर और इक्वल टू द बाइनरी नंबर, सो 1 काउंटेड करेंगे, इफ द नंबर इज लार्जर देन कंसिडर्ड इज 0, ठीक है, अगर नंबर जो है वो लार्जर होगा
तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। अब फिर उसी क्वेश्चन पे आ जाएं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। देखें, इस तरफ हमारे पास थे 216 इनको जमा करके और इस तरफ थे हमारे पास 220 इनको जमा करके। अब हमने इनमें से माइनस करते जाना है। देखें, दोनों पोर्शन को मैं आपको माइनस करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे 216 था, 216 में से 128 निकाले, कितने बन गए, 88। फिर 88 में से 64 माइनस किए तो क्या आया, 24। फिर 24 में से 24 माइनस किए तो क्या आया, 0। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो निकाली हैं इनकी वैल्यूज। ये देखें, यहाँ पे देखें, इस तरफ हमारे पास 220 आया था इन सबको जमा करके, तो वहाँ से किस तरह वैल्यूज निकली हैं हमारे पास। 220 में से 128 माइनस किया तो 92, फिर 92 में से 64 माइनस किया तो 28। इस तरह से इनको माइनस किया तो फाइनली जब हम ये सारे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वही बाइनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में था। फिर इनको रीअरेंज कर लेना है। कैसे कर लेना है, यानी कि ये करीब करीब करके लिख लेना है। देखिए, 110110000, ये देखें 110111000, ठीक है। और ये जो है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, मतलब सारा हमने इकट्ठा करके लिख दिया। एंड फाइनली मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, पार्ट वन में इक्वली दोनों नंबर को डिवाइड कर लेना है दो पोर्शन में जितने भी नंबर्स हुए। उसके बाद आपने उनकी पावर दे लेनी है, 2 की पावर दे लेनी है जितने भी नंबर हुए। यहाँ पे नंबर हमारे पास थे दोनों तरफ 8 8, इसलिए हमने 0 से 7 तक पावर्स दी हैं इनको। ये देखें, 0 से 7 तक। अगर हमारे पास जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतने ही पावर्स हम देंगे। अगर यहाँ पे 9 डिजिट इस तरफ होते, 9 डिजिट इस तरफ होते, तो हमने 9 पावर तक बेस देनी थी इसकी, ठीक है। फिर उन बेस को हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, उनको आपने जमा कर लेना है उन नंबर्स को, ठीक है। जमा करने के बाद हमारे पास ये आया। आप इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें, सोचें कि ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है। ये वही है कि जहाँ पे 0 होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और जहाँ पे 1 होगा हम उसको काउंट कर लेंगे। तो अब आप देखें कि जो 1 1 वाली थी वो सारी हमने काउंट कर ली हैं। यहाँ पे भी आप 1 लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। और जो 0 वाली थी उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। ये वाला जो पोर्शन है ये सेम हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ही उठा के नीचे लिखा है, जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ये 2 बाय मिस्टेकनली मेरे से यहाँ पे लग गया, ये वाला और ये वाला 2। पार्ट 2 में भी आपने वही करना है कि जो हमारे पास उनको जमा करने से वैल्यूज आई थी 216 और 220, उनको पॉइंट में लिख के यानी डेसिमल में लिख लेना है। और डेसिमल से फिर बाइनरी में करने के लिए आपने फिर उनको बेस की 2 देनी है, 0 वाले को निगलेक्ट कर देना है और 1 वाले को काउंट कर लेना है, और ठीक है जी। उसके बाद माइनस करते जाना है आपने टोटल पावर में से। देखें, 220 थी इस तरफ, तो हमने इनको माइनस कर दिया। तो इस तरह से माइनस करने के बाद ये जो वैल्यूज आई हैं उनके नीचे आप ये इस तरह से लिख दें, लिखने के बाद और उनको रीअरेंज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई